जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है क्या मोबाइल बुरा है। हमारे पास कुछ क्वेरीज आती हैं पेरेंट्स के तरफ से भी और स्टूडेंट्स के तरफ से भी कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, हमारा बच्चा तो मोबाइल में ही लगा रहता है, इसको मोबाइल से कैसे हटाएं। सबसे पहले सोचने वाली बात तो यह है कि क्या मोबाइल सच में बुरा है। क्या जब मोबाइल बनाया गया होगा तो सोचा होगा कि ये इतना नुकसान पहुँचाएगा। ये सोचने वाली बात है कि मोबाइल से हम अपने क्लोज्ड वन से विद इन 5 सेकेंड्स हम बात कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अपने रिश्तेदारों से हम दूर दूर तक हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आप आज देहरादून में हैं और आपको अमेरिका में किसी से बात करनी है तो इट विल टेक ओनली 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब के माध्यम से आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। और सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रहा है। तो मोबाइल क्या सच में बुरा है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूंगा कि मोबाइल बुरा नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन हमारी लाइफ में नहीं है। अगर हम अपने पैटर्न को चेक करें कि हम अपना टाइम किधर वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम हम मोबाइल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें से भी कितने टाइम को हम वेस्ट कर रहे हैं, तो जब हम इस पैटर्न को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो टाइम है वो कहाँ वेस्ट हो रहा है और तब हम उस टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में कुछ रिचुअल्स ऐड करने हैं। वो रिचुअल कुछ भी हो सकते हैं कि मैं जो फ़ोन देखूंगा वो दिन में 2 बजे से लेके 3 बजे तक देखूंगा। तो 1 घंटा अगर हम अपने मोबाइल पे फिक्स करते हैं और उसमें भी हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए पहले से ही प्री प्लान्ड करते हैं कि मुझे ये टॉपिक्स में स्टडी करनी है, तो मोबाइल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो अपना जो पैटर्न है उसको चेक करें कि आप दिन में कितना टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं। उसके बाद आप डिसिप्लिन लेके आए लाइफ में कि मुझको ये काम करना है, इतने टाइम के लिए ही करना है। और जब आपके लाइफ में डिसिप्लिन आएगा तो मोबाइल से अच्छी चीज़ और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।